attendees, welcome to 3D Studies, the one and only most demanded channel for your class 10th journey. Well, let's begin and see that what we are going to have in today's lecture. So today together we are going to master out 1000 plus MCQs of all the chapters of your SST book, means Social Studies of class 10th. So you are going to crack this chapter. So this is going to be your part 2, as in part 1 I have already discussed most of the MCQs for your board exam. Now today, from where I left in that particular video, we are going to cover all the things. Well, let's begin without wasting time with the question number 18. Match the columns. So we have the match of the columns. So let us see what we actually have, how much numbers actually we had here. Okay, so as in front of you, everything is written. Now options, let us read. A is your French Revolution, Liberalism, Napoleonic Court, the Treaty of Vienna, and the Treaty of Constantinople. Before going further, I know many of from you knows the answer about this question, but the main thing is that it is not required that you know the answer. The main thing is that how you are solving and kitna time aap le rahe, that is must. Okay, so dekhiye, the best thing is we know the elimination method, and the thing is ki match the following mein aapko karna kya hai, jo cheez aati hai sabse pehle aapko use निपटा देना है, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग आप लोग अच्छे से देखिए, व्हाट डू यू नो, ठीक है? आप अपने आप भी करिए, एंड हाउ आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू डू लाइक दैट. ओके ओके, नाउ लेट्स बिगिन. हियर रिटन फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वी नो व्हाट हैपेंस इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो लेट्स रीड द ऑप्शन फॉर द फॉल व्हाट्स हियर. कॉलम नंबर बी हैड बीन गिवन. ओके, दैट्स ग्रेट एवरीवन. सो वी हैड number one, brought the conservatives resigns, okay, brought the conservative resigns back to the power, okay. As this particular question we have already done in the MCQs, so might be some of you have known. That's great if you know. Second is, ensured right to property for the privileged class, okay. Then we had recognized Greece as an independent nation. So ye option, तो एज अ फुल्ली आप कॉन्फिडेंटली इसे कैसे रिमार्क करेंगे, थर्ड का कौन सा ऑप्शन होने वाला है एवरीवन? यस, फुल्ली कॉन्फिडेंस से आप इसको ले जाके ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से टिक कर देंगे, बिकॉज यही वाला एमसीक्यू हमने ऊपर करा हुआ है ऑलरेडी. दैट्स ग्रेट एवरीवन. सो ऑप्शन ई का आपका थर्ड पार्ट हो गया है. नाइस. ओके, मूविंग अहेड. फोर्थ नंबर, यू कैन सी ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड दैट्स द थिंग इज, मैंने आप लोग को ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर वन फ्रॉम योर हिस्ट्री टॉट यू, एंड इन दैट आई गेव यू द पॉइंट्स हाउ यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन. सो इन दैट ऑल्सो आई इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज ऑनली द रीजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम और फ्रॉम द मोनार्की कैपेसिटी टू द फ्रेंच सिटीजनशिप्स. एंड देयर वाज मेनी थिंग कि सोल्जर्स ने जो उनकी फीलिंग्स थी और जो भी उनकी नोशंस थे वो अक्रॉस द कंट्री फैलाए, और जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बेसिक रीजन था कि इसने ट्रांसफर कर दिया सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की. ठीक है, तो वी नो क्या ऑप्शन होने वाला है, ए का फोर्थ वाला. ग्रेट एवरीवन, इफ यू आर राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स, ऑसम. मूविंग अहेड, वी हैड इज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. ऑसम थिंग इज दिस कि इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ किसने दिया था, बताइए किसने दिया था. एवरीवन प्लीज डू राइट इन द कमेंट बिलो. सिंपल है, नेपोलियनिक कोर्ट. ठीक है, कि कुछ गुड पॉइंट्स थे, एंड यस दे वर सम ऑफ द बैड पॉइंट्स, सेंसरशिप लगा देना एंड एक्सेट्रा, जितनी भी एक्टिविटीज नेपोलियन ने करी थी. एक्सेप्ट दैट कुछ गुड पॉइंट्स भी थे, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ कर देना, और बधुआ मजदूरी को एबलाइज कर देना, एंड मेनी अदर थिंग. इवन उसने क्या करा था नेपोलियन ने, जितने भी आपके यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम से उन्हें इम्प्रूव कर दिया था, एंड अ लॉट थिंग ही डज, इवन नॉट ओनली द गुड थिंग बट ऑल्सो इंक्लूडिंग ही हैड डन अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स. ड्यू टू दैट कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए थे, एंड वी नो प्रैप कंट्रीज से, प्रैप ओके, प्रैप कंट्रीज से हमारा जो नेपोलियन है वो हार गया था, राइट? और वो कौन सी ट्रीटी थी
जो नेपोलियन और प्राग कंट्रीज के बीच हुई थी, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द कमेंट बिलो. ओके ग्रेट. सो ओके, यहाँ पे हमने आंसर ऑलरेडी लिखे थे, ए का आपका फोर्थ था. ओके, और वी हैव डन द ट्री ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एज रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस वन, थर्ड वन. ओके, वी वर ऑन द टॉपिक इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट्स नन बट फिफ्थ वन. ओके, सो दिस ऑप्शन डन, थर्ड डन, एंड वी हैड फोर्थ डन. वी हैड वन एंड टू, एंड नाउ सी कितने ऑप्शन बते. वी हैव लिबरलिज्म, ठीक है. अगर एज यू नो द आंसर दैट्स ऑसम, एब्सोल्युटली आपको आना ही चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजन अगर इससे टफ MCQs आ जाते हैं एंड यू आर नॉट एक्चुअली नोइंग कि आंसर क्या है, तो उसे कोरिलेट करना सीखें. जैसे कि देखिए यहाँ पे लिबरलिज्म का, देखिए लिबरलिज्म किस से इन दोनों पॉइंट में से किस से कोरिलेट हो सकता है. नाउ यू कैन सी, क्या लिबरलिज्म ने बॉट किया था कंजर्वेटिव रिजाइंस को टू द बैक टू द पावर. सोचिए, जस्ट थिंक इट्स अबाउट दैट, कि क्या लिबरलिज्म ने किसी भी तरह की कंजर्वेटिव रिजाइंस को बैक किया था, बैक कर दिया था उसकी पावर को. नॉट एट ऑल. लिबरलिज्म ऐसा क्यों ही करेगा, ठीक है. लिबरलिज्म इज नॉट अ थिंग, ये एक सिस्टम था, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड है आपका, क्या लिबरलिज्म ने इंश्योर कर दिया था आपका राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द प्रिविलेज्ड क्लास. नॉट एट ऑल, इट डज नॉट डू दिस ऑल्सो. हियर समथिंग बिकेम वेरी वेरी क्लियर, दैट यहाँ पे आपका लिबरलिज्म इज, जस्ट सेकेंड एवरीवन. ओके, सो लिबरलिज्म ने क्या किया था, लिबरलिज्म ने आपका इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया था, राइट. यस दैट्स राइट. और आपका जो नेपोलियनिक कोड था, उसने इंश्योर किया था प्रॉपर्टी और प्रिविलेज्ड क्लास को क्या किया था, इंश्योर कर दिया था कि आप राइट टू प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, बट ओके नो प्रॉब्लम, हो सकता है इसीलिए मुझसे हो गया, तो अब दोबारा आपसे तो नहीं होने वाला है, ठीक है. तो नेपोलियनिक कोड का आपका क्या है आंसर, सेकेंड है. लिबरलिज्म का क्या है आपका, फिफ्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, एंड ए का तो आपको पता ही है, फोर्थ है. ओके, नाउ एक बच्चा तो एक तो किसी के साथ लग ही जाएगा, एंड द ट्रीटी ऑफ वियना गोज विद ब्रॉट द कंजर्वेटिव रिजाइम्स बैक टू द पावर्स. क्लियर एवरीवन? Any confusion you have, you can write in the comment below. I'm going to solve it there also. And if you are, I'll be coming with a video or the new session, I'll be just discussing the particular question in that particular session. Great, everyone. Now, moving ahead with another type of question that we had is, one more type of question is, and again, it's an MCQ, right? It's an MCQ, okay. Question number 19 is, which one of the following types of government was functioning in France before the revolution? सिंपल है, फ्रांस जब रेवोल्यूशन पा चुका, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ही गॉट व्हाट, ही गॉट यू कैन से या ही गॉट डेमोक्रेसी, और यू कैन से ही वाज फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस व्हाट एवर द गवर्नमेंट हैड पुट ऑन द फ्रांच पीपल, राइट. सो किस चीज से उसने छुटकारा पाया, द क्वेश्चन आस्किंग दैट. और हमें पता है दैट्स नन डिक्टेटरशिप, नॉट अ मिलिट्री, नॉट अ एनी काइंड ऑफ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, बट इट्स एन मोनार्की. जस्ट सेकेंड, इट्स एन मोनार्की जिससे फ्रेंच की जो यू कैन से सिटीजन थी वो छुटकारा पा चुकी थी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो इट गॉट इमर्स्ड फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम एंड हैव एन अमेजिंग टाइप ऑफ सिस्टम, दैट्स या अवर डेमोक्रेसी सिस्टम, राइट. मोनार्की is the perfect answer for this question. One thing more, aap log mujhse puchenge, many of you are going to take the answer as dictatorship. But let me tell you that dictatorship is not going to here happen, because dictatorship individually kisne laya tha? Napoleon ne, theek hai. But here asking the question about the France, just a second, about the France, not about the Napoleon. So do remember these silly things can be इम्प्रूव्ड, और यही आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प कर सकती है, एंड इट कैन बी रॉन्ग. सो आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, दैट्स ऑसम एवरीवन. मूविंग अहेड विद अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, ओके यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यू इधर से उधर हुए हैं, बट नो प्रॉब्लम. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसीडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. द ऑसम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन, and it's going to be, you are required to understand the interpretation of all those MCQs which I am telling you, okay? Okay, which of the following countries is considered as the cradle of European civilization? Abhi humne upar question kiya, and again yahi question aaya, Greece, repeatedly my question. Okay, moving ahead, usme kuch samjhana to tha nahi everyone,
जस्ट टू डिस्कस इट. ओके आई विल बी सेइंग कि 21 नंबर क्वेश्चन इज जस्ट फेवरेट ऑफ एवरीवन राइट बिकॉज फ्रेडरिक सोलो वाज अ विच आर्टिस्ट एंड एवरीबडी नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फ्रेंच आर्टिस्ट सिंपल एज इट लुक नाइस ओके Then let's understand the gist of this particular thing is a large part of the Balkans was under the control of which empire? Everyone, yes, Ottoman Empire, absolutely right. And this particular line had been taken and asked numerous times. Okay, बहुत बार ये question put on हुआ है, so you're required to put the star in this question. Okay, true false everyone. Let's look. The Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. Yes, it's true, but please remember this. मैं कह सकती हूँ numerous time मैंने ये बोला है that the thing doesn't matter कि you know the answer or the thing. Question कैसे और form हो सकता है that thing matter. अब यहाँ पे आपने देखा the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. और आपने क्या देखा ये true false form में आया है तो it can come. ठीक है इसके चांसेस हैं दैट इट कैन कम सो द थिंग इज कि आपको क्या रिमाइंड रखना है कि कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन चारों की पॉइंट याद होने चाहिए चाहे वो आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को ट्रीटी ऑफ वियना ट्रीटी ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेट्रा बना सकता है और ट्रू फॉल्स दे सकता है सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू जस्ट आंसर द रॉन्ग क्वेश्चन ठीक है आपको जब राइट पता है तो राइट ही होना चाहिए ऐसे याद रखिए और चारों की पॉइंट एक साथ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 विद ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ठीक है तीनों याद होना चाहिए वो ईयर चेंज कर सकता है वो ग्रीस को चेंज कर सकता है यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता है फ्रांस ब्रिटेन और इतनी कंट्रीज हैं और यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन की जगह पे आपका मोनार्की नेशन कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है ठीक है एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है बट द थिंग इज कि आपको हर चीज़ आना चाहिए ओके Moving ahead with another type of question that we had is Giuseppe Magini formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his schools. And yes, that's true. क्योंकि उन्होंने दो तरह की secret societies बनाई थी Young Italy and Young Europe. ठीक है मर्साइल और बर्ने कहाँ थी यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बट लिसन उन्होंने जीएसपी मैचनी ने पर्टिकुलर सीक्रेट सोसाइटीज इसलिए बनाई थी क्योंकि उन्हें अपने गोल्स को फुलफिल करना था और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी यू ऑलरेडी नो और जो पर्टिकुलर थिंग थे जीएसपी मैचनी और जितने भी इनके साथ थे वो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने की कंडीशन में थे इसी वजह से इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी तो ये उनके कुछ डिसमिनेशन थे अपने गोल को यू कैन से कंप्लीट करने के लिए एंड दैट्स अ परफेक्ट सेंटेंस ओके Now, something one more type of question answer and yes, that's really going to be very, very important. So please everyone, look very carefully. अब जहाँ तक दिमाग था इधर उधर अब फटाफट चैप्टर पे ले आए बिकॉज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ठीक है ओके नाइस एवरीवन एंड अगेन बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर जस्ट ब्रिंगिंग आवर सब्सक्राइबर्स एट द हाई एंड ऑल्सो फॉर शेयरिंग ऑलमोस्ट आवर वीडियोज एंड लाइकिंग आवर वीडियोज एंड Also do commenting on our channel. So thank you so much everyone for your support. Let's begin and understand the question number 25. Who was Frederick Soray? So you are required to answer this particular question in the comment box. I'll be giving you thumbs up and star if you just answered the perfect one. Okay. So we know Frederick Soray. You are again everyone. Please put your eye. Frederick Soray ki spelling. दो तीन बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करिएगा बिकॉज मेनी टाइम यू कैन जस्ट बी कन्फ्यूज कि क्या स्पेलिंग है ठीक है यू आर रिक्वायर्ड टू जस्ट राइट द पर्टिकुलर स्पेलिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरायो टू थ्री टाइम्स ओके सो वी हैड फ्रेडरिक सोरायो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुअलाइज्ड अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एंड ऑल्सो पुट हिज ड्रीम डाउन इन अ सीरीज ऑफ हर फोर प्रिंट्स क्लियर ओके You can answer this particular question in your words. The particular things can, देखो, sentence इधर से उधर हो सकते हैं, but the key points is main, ठीक है? Here is written that what is refers to as absolutism, okay? So unrestricted, despotic and authoritarianism, monarchical system of rule or government is refers to as an absolutism. Absolutism, okay? The pronunciation is Absolutism, ठीक है ओके
अमेजिंग क्वेश्चन, ये रिपीटेडली क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय नेशन? नेशन एक्चुअली होता क्या है? व्हाट डू यू मीन कि नेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, और इट्स एन हाइपोथेटिकल व्यू और द आइडिया और द रिफ्लेक्शन विच यू एक्चुअली मेड, बट नॉट एट ऑल, इट्स एन आइडिया. लेट्स सी. सो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ नेशन है जब अ बॉडी ऑफ अ पीपल हु आर यूनाइटेड बाई द बाय सेम पास्ट, सेम कल्चर, सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और सिनारियोज, एंड ऑल्सो दे कीम अपॉन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, मतलब कि कॉमन आइडिया, कॉमन बिलोंगिंगनेस, कॉमन सेंस बिलोंगिंग, ठीक है, एंड दैट कुड बी डिफाइंड एज योर नेशन. क्लियर? ग्रेट. ओके, अगेन PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट? एक्चुअली में यहाँ पे नेशन पूछा है, यहाँ पे नेशन स्टेट पूछा है. फिर से आप लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए मैं बता रही हूँ. डू नॉट कंफ्यूज इन दीज पर्टिकुलर टू टर्म्स. नेशन इज समथिंग डिफरेंट एंड नेशन स्टेट इज अ फॉर्मेशन. नेशन एक हाइपोथेटिकल वे है एवरीवन, एंड नेशन स्टेट एक फॉर्मेशन है. क्या फॉर्मेशन है? लेट्स सी. द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच पीपल रूलर्स ऑफ लैंड केम टुगेदर टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री. मतलब कि ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का संगठन जिनका पास्ट, जिनकी जिनकी कॉमन आइडेंटिटी, जिनके शेयर्ड पाथ, मतलब कि जिनका सेम कल्चर, सेम पास्ट, सेम एक गोल, और जब वो सब साथ में आ जाए, ठीक है, तो हम वो फॉर्म कर लेते हैं आपके नेशन स्टेट को. क्लियर है? ऑसम. We have another type of question, and yes, most important. So, another type of question is, define plebiscite. So, plebiscite was a system of direct vote by which the people or of a region themselves can decide to accept or reject a proposal. Here, the proposal is of the political systems and the scenarios and the system of direct voting. Clear? Okay. Then we have the question that what were the major changes that were occurred during the political and constitutional scenarios to the French Revolution in Europe? Please everyone, do remember repeatedly 2017-2016 mein aaya hua ye question hai. Theek hai, I already have many of the previous year questions from 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, okay, and even 22 also. Theek hai, wahin se MCQs hain, wahin se aapke jitne bhi questions hain. डायरेक्टली लिए गए. ओके, वी हैव द क्वेश्चन कि कौन से ऐसे मेजर चेंजेस हुए थे, अकर्ड हुए थे, जिन्होंने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनारियोज को हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिनारियोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप. तो हमें पता है क्या हुआ था. सिंपल से उसने सेव कर दिया था उसकी डेस्टिनी को, और अभी हमने ऊपर एक एमसीक्यू किया था, इट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. पूरा क्वेश्चन वही है, रिपीट ही बताओ. एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर मैच हो रहे हैं, आपके सामने प्रूव है. द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. इट प्रोक्लेम दैट इट वॉज अ पीपल हु वुड हेंसफॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड सेव इट्स डेंसिटी. ओके, डेस्टिनी. प्लीज़ स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा. कभी कभी आप लोग आंसर करेक्ट कर जाते हैं, बट स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है. ओके, नेम द प्रोविंसेस. ओके, नेम द प्रोविंसेस अंडर द हैंसबर्ग एम्पायर. ऑसम क्वेश्चन अगेन, बट नॉट इम्पॉर्टेंट. बट द पर्टिकुलर स्टेट विच एवर हैपन इन द हैंसबर्ग वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. द हैंसबर्ग रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, वी नो. ठीक है, आप पूरा मैप देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा. It included the Alpine region of Tyrol, Austria, Sudetenland, okay. Well, as well as Bohemia, along with Italian-speaking provinces of what? Lombardy and Venetia. The question is, what was the strong demand of the emerging middle class in Europe during 19th of century? We know. Kya process, wahan pe particular environment hua tha? Batao everyone, do comment in the comment box. The emerging middle class of European demanded constitutionalism with national unification. As simple as it. Okay, awesome question. My favorite question. क्योंकि रिपीटेडली आया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय इली?
इली, देखो इली ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है. और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, लेट मी टेल यू दैट जैसे कि मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में नापी जाती हैं, कुछ चीज़ें लीटर्स में, कुछ चीज़ें यू कैन से किलोमीटर्स में. एज सिमिलर एज इन द जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में आपका इली, ठीक है, इली जो है वो एक मेजरिंग यूनिट था. वो किसको मेजर करता था? आपके जितने भी क्लॉथ्स होते थे, ठीक है. तो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन एज इली वॉज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लॉथ. इट वॉज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द 39 स्टेट ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन. क्लियर है? ओके. What was the basic philosophy of the conservatives? Conservatives की basic philosophy क्या थी? Simple थी. They do not want any kind of change. They want कि जितना भी past है, जितनी भी social hierarchies हैं, जितनी भी हमारी कह सकते हो history से related properties हैं, institutional traditional institutions हैं, वो सब वैसे के वैसे ही बने रहने चाहिए. मतलब कि आपका वो सब preserve रहने चाहिए, वहाँ पर कोई भी type का change नहीं occur होना चाहिए. बट वी नो कंजर्वेटिव ने क्या किया था एवरीवन, ड्यू टू द सर्कमस्टांसिस एंड द चेंजेस दैट वर अकरिंग इन द पर्टिकुलर सोसाइटीज एंड द पर्टिकुलर स्टेट. व्हाट कंजर्वेटिव से कि भैया देखो चेंज तो होने ही वाला है, अब हमारे कुछ कहने से या हम कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि प्रिजर्व कर लो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, हमारे चर्च को, हमारे मोनार्कीज़ को, हमारे सोशल हायरार्कीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को, तो वो तो होने वाला से है नहीं, क्योंकि चेंज तो अकर होने वाले, क्योंकि रिपीटेडली क्या हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है आपका जितने भी कह सकते हो सोशल नेशन स्टेट हैं या फिर लिबरेशनलीज हैं, वो सब अगेंस्ट में कह सकते हो आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं दैट वी एक्चुअली वॉन्ट चेंज. तो साइमल्टेनियसली ये चीज़ें हो रही हैं. सो फॉर दैट कंजर्वेटिव ने कहा ठीक है बेटा, ठीक है कर लो चेंज, जो तुम लोग चाहते हो वो करो, बट हमारा सम्मान जो है, मींस हमारा जो आदर है सोसाइटी में, वो वैसा ही बना रहना चाहिए. और सेकेंड चीज़ कहा था कंजर्वेटिव ने दैट कोई भी टाइप का शिफ्ट हो, शिफ्ट मतलब कोई भी टाइप का चेंज हो सोसाइटी में, वो ग्रेजुअली होना चाहिए, तुरंत इंटेंसली नहीं होना चाहिए. आई वॉन्ट कि चेंजेस अकर बट ग्रेजुअली. क्लियर है एवरीवन? सिंपली आपको यहाँ क्या लिख देना है, द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव की बेसिक बेसिकली व्हाट द फिलॉसफी यहाँ पे पूछ रहा है कि थीम क्या थी, कि टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल और इंस्टीट्यूशन सच एज चर्च, मोनार्की एंड सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टीज, फैमिलीज एक्सेट्रा. ओके. Who hosted the Congress of Vienna in 1815? We know, amazing question, repeatedly question है. और Duke Metternich, बेटा याद कर लो ये name, please everyone. ये word याद ही कर लो, Duke Metternich hosted the Congress Vienna in 1815. And one thing more everyone, Duke Metternich में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, एक question can come. तो Duke Metternich ने क्या line बोली थी ऐसी जो बहुत ही famous हुई है? Tell me everyone, do write in the comment below. Duke Metternich ने ऐसी कौन सी लाइन बोली थी? We know that उन्होंने Duke Metternich ने ही बोली है या फिर respond किया है that when France sneezes, the rest of the Europe catches cold. Okay? Clear. We have done the MCQ in the first of the video of mine. So in that, the particular question came that who told that when France sneezes, the rest of the Europe catches fire. Or ek aur question aaya tha that who hosted Congress of Vienna. And the answer for both the question goes with the running speed of Duke Metternich. Okay. Then we have question here. What was the main aim of the Treaty of Vienna? Treaty of Vienna ka main aim kya tha? Hamein pata hai Treaty of Vienna hai yahan pe, theek hai? Jisne kisne kya kiya tha? होस्ट किया था ड्यूक मैटरनिस्ट ने. तो यहाँ पे देखो उनका एम भी देख लो आप लोग. द मेन एम ऑफ ड्यूक मैटरनिस्ट टू होस्ट द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वाज टू अंडू द चेंजेस व्हाट अबाउट द यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स. देखो नेपोलियन का प्रैब कंट्रीज मतलब कि आपका प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड आपका प्रैब आर रशिया, हियर दैट्स प्रैब ओके ब्रिटेन. तो जितनी भी आपकी फोर कंट्रीज हैं उनका संगठन मतलब कि प्रैब कंट्रीज और नेपोलियन. मैंने प्रैब एक वो ट्रिक बनाई है याद करने के लिए कि किन से आपका. हाँ एक और चीज़, वन क्वेश्चन कैन हैड जस्ट हिटेड इन माय माइंड दैट ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट नेपोलियन एंड नेपोलियन बोनापार्ट्री एंड योर प्रैब कंट्रीज मतलब कि आपका प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया,
what kind of treaty, what kind of battle had been run? कौन सा बैटल रन हुआ था ड्यूरिंग द फाइट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट्री एंड ट्रैप कंट्रीज लाइक यू प्रशिया रशिया ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन एंड आंसर दिस क्वेश्चन वी नो दैट वाज बैटल ऑफ वाटरलू एंड ड्यू टू दैट नेपोलियन हार गया था और ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी जो चेंजेस नेपोलियन लाए थे नेपोलियन ने क्या चेंजेस लाए थे नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में चेंज किया था और ड्यूक मेटरनिच ने ट्रीटी ऑफ वियना साइन करके with the Napoleon, he just undo the changes whatever had been bought by the Napoleon and even what he did, he just transfer or settlement of Europe again hua tha after that Treaty of Vienna in 1850. Clear hai? Dekho, har topic explain kar rahe hai, jise koi bhi correlated question bhi aata hai, to aap able hai solve karne ke liye. What was a major issue taken up by the liberal nationalist? Simple hai, kaun sa liberal? एक चीज और लिबरलिज्म आपने सुना होगा वर्ड लिबर ओके जस्ट अ सेकेंड ओके सो ये वर्ड आपके सामने बहुत बार आया है लिबरलिज्म व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म इज्म का मतलब होता है कहीं भी अगर इज्म लगा है मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कहीं पर भी ISM लगा हुआ है जैसे कि नेशनलिज्म सोशलिज्म लिबरलिज्म ठीक है इज्म ISM दैट्स मीन सिंपली एन आइडियोलॉजी किसी भी टाइप की आइडियोलॉजी हो सकती है अब किस टाइप की होगी वो उसके आगे वाला वर्ड आपका बता देगा ठीक है वही वाली वर्ड सफिक्स और प्रीफिक्स वाली जो केमिस्ट्री में करते हो बट केमिस्ट्री का पेपर ओवर हो गया है वी आर जस्ट रिक्वायर टू फोकस ऑन हिस्ट्री तो लिबरलिज्म में इज्म आपका जो वर्ड है वो आपका आइडियोलॉजी को दिखाता है एंड अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे लिबर वर्ड क्या कोरिलेट कर रहा है दैट वर्ड ही एक्चुअली वांटेड टू शो सो ही वांट्स टू शो लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम लिबर का मतलब होता है फ्रीडम अब फ्रीडम की आइडियोलॉजी होना इज मीन्स लिबरलिज्म अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वॉट वॉज अ मेजर जस्ट सेकेंड वॉट वॉज अ मेजर इशू टेकन बाय लिबरल नेशनलिस्ट सो द लिबरल नेशनलिस्ट took up the issue of freedom of press simple dekho maine pehle hi bata diya wow great everyone okay another type of question is what was the main aim of the revolutionaries of europe europe ke revolutionaries ka main aim main maqsad kya tha unka main maqsad kya tha everyone please do write in the comment below simple hai the european revolution aimed at opposing of monarchical orders stabilized after the Vienna Congress and a struggle for liberty and freedom. Clear everyone? Okay. देखो एक और चीज जो आपका अभी हमने एक क्वेश्चन देखो मैं कोरिलेट कराना चाह रही हूँ अगर जिनसे हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है देखो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन करा था दैट व्हाट डू यू मीन बाय एक सेकेंड मैं आपको दिखाई देती हूँ फिर आप लोग बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे 38 क्वेश्चन नंबर था ओके यस ये वाला क्वेश्चन 19th wala which one of the following types of government was functioning in France before the revolution of 1789 theek hai to iska answer humne diya tha monarchy not a dictatorship aur maine bataya tha that dictatorship aapka kisne laya tha napoleon ne okay moving ahead with the question let me tell you okay ab yahan dekho ट्रीटी ऑफ वियना का क्या मेन मकसद था टू अंडू द चेंजेस यहाँ पे भी ध्यान से देखना अब मैं क्या आप लोगों को रिलेट करवाना चाह रही हूँ ये ध्यान रखिएगा नेपोलियन ने डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया था पर्टिकुलर सोसाइटी को क्लियर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना द सडन चेंजेस हैपन एंड दे एक्चुअली स्टेबलाइज वॉट दे स्टेबलाइज डिक्टेटरशिप टू द मोनार्किकल ऑर्डर्स क्लियर है एवरीवन क्या हो रहा है यहाँ पे मतलब कि आपके जो नेपोलियन हारा और जो प्राग कंट्रीज उस पर जीती तो प्राग कंट्रीज वॉट नॉट लाइक दैट कि हेलो आई एम गोइंग टू गिव यू डेमोक्रेसी एंड यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय योर पर्टिकुलर फ्रीडम नथिंग दैट लाइक हैपन ठीक है उल्टा नेपोलियन को हराने के बाद जो प्राग कंट्रीज थी उन्होंने मोनार्किकल सिस्टम को जो सबसे पहले चल रहा था ठीक है जो सबसे पहले चल रहा था उसको फिर से स्टेबलाइज कर दिया था मतलब कि ट्रीटी ऑफ वियना वाज नॉट अ गुड थिंग ठीक है तो इसीलिए यूरोप में क्या हुआ था रिवोल्यूशनरीज आए थे रिवोल्यूशनरीज का
एंट्री हुई थी, मतलब कि रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज स्टार्टअप हो गई थी। ड्यू टू डैट उनका क्या मेन मकसद था कि अब हमें क्या करना है, नेपोलियन तो गया, डिक्टेटरशिप तो गई, लेकिन नई जो प्रॉब्लम आ गई है मोनार्किकल ऑर्डर्स की, इन्हें हमें स्टेबलाइज नहीं करना है, इसे हटा देना है। और उनका क्या मेन मकसद था, उनका मकसद था कि वो जो लड़ाई कर रहे थे अगेंस्ट मोनार्किकल सिस्टम, टू गिव देम लिबर्टी एंड एज वेल एज फ्रीडम। क्लियर है? और लिबर्टी का मतलब भी मैंने आप लोगों को बता दिया, मतलब कि फ्रीडम। ठीक है, ग्रेट। देखो कैसे चीज़ें हिस्ट्री में कोरिलेट होती हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अब तो फटाफट सब आंसर दे रहे होंगे, राइट? Awesome. Who remarked when France sneezes, the rest of the Europe catches cold? And the great answers are coming in the comment below. And thank you everyone for your comments. Duke Metternich. Then we have the question, how did Lord Byron contribute to the Greece War of Independence? Awesome question. So Lord Byron, an English poet, organized fund for the Greece struggle against the Ottoman Empire and also participated in the war. Simple. Now again, what do you mean by romanticism? Again, let me tell you, ये question उसमें MCQs में भी आया है, I told you. Romanticism का मतलब होता है एक तरह की ideology which deals with the ideas, with you can say ideas, songs, poetries, flocks, your writers and their particular themes, their reflections, etc. ठीक है? तो रोमांटिसिज्म रिफर्स टू द कल्ट, एक्चुअली एक कल्चरल मूवमेंट है दैट सॉट दैट टेल अस टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, सेंटीमेंट्स और द फीलिंग। यहाँ पे देखो सेंटीमेंट का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है? फीलिंग की जगह पे यहाँ पे सेंटीमेंट यूज करते हैं, इट जस्ट गिव अ इट गिव्स अ हाईलाइट, ठीक है? क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ही कनेक्ट कर देते हैं, एंड दैट्स सच अ थिंग कि यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटीमेंट वर्ड यूज हुआ है, थ्रू योर इमोशन, थ्रू देयर इमोशंस, थ्रू देयर फ्लॉक सॉन्ग्स, पोएट्रीज, डांसेस एंड इवन वट एवर द राइट, वट एवर द टॉक एंड वट एवर द सेंटीमेंट थ्रू आउट टू द कंट्रीज। और कैसे थ्रू आउट कंट्रीज के करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों से। सिंपल है। ओके ओके ओके, वंस मोर, awesome question, repeatedly बहुत important है। What do you mean by Dasvolk? Dasvolk was nothing else but is a German word meaning common people, ठीक है? Dasvolk एक word ना, कोई आदमी था या फिर इंसान था, बहुत अच्छे से सोचते हैं, तो अब शायद नीचे सोचेंगे। Okay, now let's see, important question, where was the Frankfurt Parliament convent? So we know it was just converted at church, St. Paul. Okay. Where did the middle class lose its support after the failure of the Frankfurt Parliament? We know because middle class lost all the support after the failure of the Frankfurt Parliament because they were restricted to demand for the workers and the artisans, etc. Okay, what do you mean by junkers? Again, important questions. MCQ हजारों बार आया है, junkers से आपका क्या मतलब है? जंकर से आपका मतलब होता है लैंड ओनिंग क्लास, नॉट एनी काइंड ऑफ पीपल। और जंकर्स को बहुत लोग कोरिलेट करते हैं दैट इट्स एन यू कैन से अरिस्टोक्रेसी, बट नॉट एट ऑल, इट्स नॉट द अरिस्टोक्रेसी, इट्स एन द पीपल हु आर लैंड ओनिंग, द लार्ज लैंड ओनिंग क्लास आर सिंपली रिनेम्ड और रिफर्स टू एज एन जंकर्स इन प्रशिया। रिमेंबर द स्टेट, सॉरी कंट्री, विच स्टेट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ Germany, Prussia, just. Who had the credit of unifying Germany? So we know Otto Bismarck, the one and only. Okay. Who proclaimed the German Emperor in a ceremony held at Versailles in January 1871? And that's your case here, William I proclaimed as the particular answer. Okay, we had another question. Who headed Sardinia Piedmont? सर्डानिया पाइडमोंट को किसने हेड किया था? विक्टर एमानुअल सेकेंड, जस्ट सेकेंड, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ओके, मूविंग अहेड, वी हैड, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन? ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का क्या एक्चुअली में एजेंडा था? It just agenda or resulted as a formation of United Kingdom and Great Britain and the incorporation of Scotland. And yes, ये MCQ form में true false form में पूछा गया है. Which Italian, ठीक है? Again, बहुत important question है. Which Italian patriot organized a group of soldiers known as Red Shirt? Giuseppe Garibaldi.
What do you mean by Germania? An allegory, or you can say an imagination, and you can say reflection. ठीक है. What do you mean by slaves? The inhabitant of the region of the Ottoman Empire, like modern days, like Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro were all called slaves. What made the Balkans areas explosive? So the spread of romantic nationalism and disintegration of Ottoman Empire make the Balkan areas very, very explosive. What do you mean by nationalism? Devotion, love, affections, patriotic feelings, one's own nation, all called nationalism. इज्म है, आइडियोलॉजी है. नेशन है, नेशन के लिए क्या होता है? हमें डिवोशन होता है, हमें नेशन से प्यार होता है, उसके जितने भी पैट्रियाटिक फीलिंग्स हैं, सेंटीमेंट है, वो होती हैं हमें. तो डेट्स ऑल कॉल्ड नेशनलिज्म फीलिंग, एंड इट्स जस्ट फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द स्टेट. ओके. ड्यूक मैटरनिच वाज़ द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. सिंपल. व्हाट डिसीजन वर टेकन इन द एट द कांग्रेस ऑफ वियना? वी नो Congress of Vienna, under the changes all happens by the Napoleon, and even in France, the Bourbon dynasty was restored to power with the number of the states settled on the its boundary. Prussia was given important to new territories. Austria was got all the control of northern Italy, and Russia was also given a part of Poland. Everyone, मतलब जितनी भी प्राइम कंट्री थी ना, सबको सबका भोजन मिल गया. भोजन, वाह. Okay. What do you mean by the treaty recognized Greece and independence? देखो, ग्रीस की ट्रीटी के पीछे पूरा का पूरा सीबीएसई पढ़ा इतनी देर से. ठीक, अब देख रहे ना, पी वाई क्यूज हम लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर. भैया, ग्रीस की जो ट्रीटी है बिल्कुल जबान पे रटी होनी चाहिए. अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीस ऑफ ट्रीटी, यू विल बी सेइंग मैम ट्रीटी ऑफ वियना. मैंने चार बताए थे आपको ना कीवर्ड्स, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. सिमिलर क्वेश्चन आया फिर से, देख रहे हैं आप. ओके. वाई 1830s were the years of the great economic hardship in Europe, because there was a shift competition in the market, we know, during that particular year. So it just led to the increase of population, unemployment, and migration from one place to another, and you can say it also led to the capital increasement. ठीक है, तो यही सब इसमें लिखा है. Moving ahead, it also इसमें एक और चीज कि इसने worse करी थी the conditions of the peasants. You can say peasants का मतलब होता है farmers. ठीक है, peasants एक word है, बस synonym में समझ सकते हो. ओके. व्हाट यू मीन बाय एलेगोरी ऑफ फ्रांस? फ्रांस की एलेगोरी मरियाना, एंड आपकी जर्मनी की एलेगोरी जर्मानिया, ऊपर ही देखा था हमने. ठीक है, ओके. अब यहां से 60 नंबर 161 से वी आर गोइंग टू डू द एमसीक्यूज अगेन, एंड 60 तक From 30 to 60, we have all done all kind of sort type of questions that were very, very important from chapter number 1. So everyone, thank you so much for your watching and support and staying till the last. And do subscribe the channel for more updates as this series is going to be held till your SST board exam. So stay tuned and thank you so much.